इसी ऑडिटोरियम में न जाने कितनी बार 16-17 साल की उम्र में कभी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, कभी पोएट्री कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, लेकिन ये ऑडिटोरियम इतना सुंदर नहीं था उस समय। और कॉलेज भी कोएड नहीं था। जो गिनी चुनी लड़कियां थी कॉलेज में, वो कॉलेज के फैकल्टी के जो लोग थे उनकी बेटियां थी, तो वैसे भी डरते थे। और बची खुची कसर हमारे लीडर थे अरुण जेटली, जो इस कॉलेज की यूनियन के प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बने। वो बॉर्डर पुलिस थे, वो न किसी लड़की से बात करने देते थे, न किसी से मोहब्बत करने देते। बहुत सारी यादें हैं जो इस कॉलेज से जुड़ी हैं। इसीलिए जब यहाँ बोलने के लिए मुझे अप्रोच किया गया, तो मैंने कहा था कि अपने लोगों के बीच में मैं क्या कीनोट एड्रेस दूँ, क्या भाषण दूँ। और जो लिखी स्पीचेस होती हैं आप जानते हैं बहुत बोरिंग होती हैं, तो मैंने कहा बेस्ट तो होगा कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखें, आपके मन में जो सवाल हैं वो मुझसे पूछें। मैं 30 साल से लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ और स्टूडेंट्स को मुझसे सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिए। तो यही आप पूछेंगे, देखिए इनकी हिम्मत कह रहे मैं पूछता हूँ। और मेरी तरफ से कोई रोक नहीं है, अच्छे सवाल, मीठे सवाल, कड़वे सवाल आप। Today, Mr. Sharma will be in conversation with Mr. Shobhit Mathur, the co-founder and vice president of Rishod University, from pursuing an international corporate career to building a grassroots volunteering movement to creating a higher education institution. Shobhit carries a rich experience of building mission-driven projects. He intends to bring all his education and work experience together and reinvent higher education to serve the needs of the society, nation, and the world. He has an avid research interest in technology, education, and public policy. He writes often in leading newspapers, speaks on many international platforms. The stage is all yours now. Thank you to the organizers for giving me this opportunity to be able to interview the person who is known as the world's most famous interviewer himself, right? So, I mean, yeah, in some sense, this is a great honor for me to do the